देन द करेक्ट ऑप्शन है तो प्रेशर के बारे में बात हो रही है तो प्रेशर निकालना है तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्वेश्चन में क्या करना और क्या वो करना हमसे कहना चाहता है तो ये एक आपके पास एक स्वेयर है जो कि अपनी ग्रेविटी में रुका हुआ है तो लेट्स से इस पे काम करते हैं मैं इसमें एक अंदर के एक छोटा स्फेर मान लेता हूँ रेडियस आर का और इस पे एक एलिमेंट मान लेता हूँ इसके बाहर इस एलिमेंट का जो रेडियस है वो डी है और मास एलिमेंट का डीएम है तो मैं इस डीएम के बारे में बात करने वाला हूँ कि डीएम कैसे रुका हुआ है अंदर का मास कुछ एम है तो अगर आप अंदर के मास को लिखेंगे सो यू कैन राइट रो बाय पाई आर क्यूब और डीएम को एलिमेंट के मास को सो रो इन टू एलिमेंट का वॉल्यूम अगर इस एलिमेंट पे आप देखें तो इस एलिमेंट पे जो अंदर वाला स्पेर है अंदर की तरफ इसमें ग्रेविटी लगा रहा होगा फोर्स लगा रहा होगा डीएफ जो कि होगा जी एम डीएम अपॉन आर स्क्वायर मतलब इसको खींच रहा है अपनी

ठीक है अब देखते हैं कि और इस पे ऐसी कौन सी फोर्स है जो कि इस एलिमेंट पे जो ग्रेविटी लग रही है अंदर की तरफ से उसको बाहर लग के बैलेंस कर रहा है तो अगर ध्यान से देखेंगे आप स्फेयर में तो स्फीयर में जैसे आप इस पूरे स्फेयर में आउटर पे देखें बिल्कुल बाहर देखें इस पॉइंट पे मतलब रेडियस आर पे तो इस पॉइंट पे कोई प्रेशर नहीं होगा बिकॉज ये पॉइंट फ्री है दुनिया से प्रेशर का मतलब कहने मतलब ये जैसे जैसे आप इस फेयर में अंदर की तरफ आते जाएंगे मान लें अंदर में एक ये मान लो अगर मैं इस फेयर पे देखूंगा तो इस फेयर पे जो बाहर की दुनिया है ये पूरी, ये पूरी इस पे कुछ कम्प्रेस कर रही है इस जगह पे दबा रही है इसको मतलब अंदर बाहर चारों तरफ से कंप्रेस कर रही है इसको कि भाई दब जा जितना आप अंदर जाएंगे मतलब अगर मैं बात करूं कि मैं बिल्कुल बात करता हूं अभी इस पॉइंट की सेंट बहुत छोटे की तो इस पे सबसे ज्यादा प्रेशर फील कर रहा होगा क्योंकि इसको सब मिलके प्रेस कर रहे हैं अंदर की तरफ से और मैं अगर मतलब कहने मतलब जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाएंगे अब मैं यहां की बात करूं तो यहां पे कोई प्रेशर नहीं होगा इसके कुछ है ये स्पेर माने तो इस पर पूरा बाहर वाला प्रेशर लगा रहा है ये स्पेयर माने तो इस पर ये वाला बाहर वाला प्रेशर लगा रहा है तो इफ वी गो इनसाइड देन प्रेशर ना तो अगर मैं इस एलिमेंट पे लिखूं बच्चों जो हमने एलिमेंट माना है तो अगर मैं इस एलिमेंट पे लिखूं कि भाई इस एलिमेंट पे जो प्रेशर की फोर्स है तो यहां से अगर मैं इस फोर्स को एफ वन मान लू और बाहर वाले फोर्स को मैं एफ टू मान लू तो अगर डी एफ लिखूव राइट एफ टू माइनस एफ वन ये प्रेशर की वजह से और विनोरेड की जो एफ वन है वो ज्यादा है कि अंदर जो प्रेशर वाली फोर्स है वो ज्यादा है बाहर वाले से ठीक है दैट मींस कि इस जो प्रेशर फोर्स की डायरेक्शन है वो कुछ बाहर की तरफ आएगी f1 f2 जो आउटवर्ड होगी प्रेशर फोर्स और जो ग्रेविटी है इस पे वो कुछ इस पे अंदर की तरफ है, ऐसे लग रही है अंदर की तरफ लग रही है तो दोनों मिलके आपस में बैलेंस हो रही है जिस वजह से वो इक्विलिंब में तो इस df को यू कैन राइट f2 f1 और आपको पता है कि f1 ज्यादा है है ना तो और इसको मैं अगर मैं ये लिख दूँ अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर कर दूँ तो ये आपको प्रेशर दे देगा फोर्स अपॉन एरिया तो आई कैन रिप्लेस डी एफ बाई इनटू पी फोर पाई आर स्क्वायर सो डी इनटू इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इससे ही काट देते हैं सो डी इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर फोर बाय थ्री पाई आर इंटीग्रेट कर देते इंटीग्रेट अच्छा इंडिट कहाँ से कहां से वो भी देखना पड़ेगा भाई आर इक्वल टू आर पे बिल्कुल आर पे प्रेशर जीरो आर स्कू लिमिट्स आर से आर so, तक सो प्रेशर इक्वल टू जी रो स्क्वायर फोर बाय थ्री पाई अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो हमने ऊपर स्किप करी वो ये कि अगर आप इसको देखें इस फंक्शन को तो फंक्शन नेगेटिव नेगेटिव है एक तरह से मतलब मतलब अगर इसमें आर इक्वल टू जीरो पुट कर ले तो प्रेशर नेगेटिव आ रहा है जो पॉसिबल नहीं है है ना मतलब नेगेटिव नहीं है अंदर अगर से, सेंटर पे देखें तो प्रेशर ज्यादा आना चाहिए बहुत ज्यादा आना चाहिए नेगेटिव कैसे आ सकता है तो एक्चुअली हमने ऊपर एक साइन छोड़ दिया रील पे तो उसको कहाँ छोड़ा वो यहाँ छोड़ा

तो इसलिए आपको यहां भी एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा ठीक तो 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 है तो cool देखेंगे तो ये तो पूरा एक कॉन्स्टेंट टर्म है तो ये के है एक तो आर माइनस आर स्क्वायर तो ये एक रिजल्ट है जिसको हम एक बार को अपने दिमाग में रख सकते हैं याद भी कर सकते हैं और यहाँ पे

कह रहा है 0, 0, है तो है कि प्रेशर प्रेशर बिल्कुल गलत मैक्सिमम ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रेशर को चेक करो पीओ नीटो निकालो तो प्रेशर पता है मुझे माइनस आर स्क्वायर पुट कर लेते हैं के आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे थ्री आर बायर है 16. आप, आप मेरे साथ चेक करें

सोलह बाई इक्कीस तो ऑप्शन सी भी सही है ऑप्शन डी निकालेंगे में गलत मिलेगा तो आप सिंपल इस रिजल्ट को यूज करके किसी भी पॉइंट प्रेशर निकाल सकते हैं अगर एग्जेक्टिव निकालें तो फॉर्मला चाहिए पूरा आपको भाई प्रेशर कितना होगा ये वाला फॉर्मला और अगर रेशियो निकालना है फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं सो बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम आई बिलीव आप लोग क्लियर होगा सो प्लीज इफ़ यू लाइक माय कंटेंट देन कमेंट ऑन वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर ताकि इन वीडियोस का बेनिफिट बाकी सब भी लोग ले पाए all right uh, thanks for watching